और महाभारत में आज बात बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की। और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि बिहार में बच्चे बीमार नहीं हैं, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बीमार हैं। और ये स्वास्थ्य सेवाएं इस कदर चरमराई हुई हैं कि ये किसी का भला नहीं कर सकती। और ये तस्वीरों के जरिए आज रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं ये सवाल, अस्पतालों के पीछे किसके कंकाल मिले हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर मासूमों की चीखों से गूंज रहा है, अस्पताल के पीछे कंकाल मिलते हैं। और बिहार के सुशासन का सच ये कि दरभंगा का मेडिकल कॉलेज भी अपनी दुर्गति पर मानो सिसक रहा है। ये तस्वीर दरभंगा मेडिकल कॉलेज की है। इमारत दिन ब दिन और जर्जर होती जा रही है। मरीजों के लिए स्ट्रेचर और बेड तक नहीं है। मेडिकल कॉलेज में गंदगी ही गंदगी है। नीतीश कुमार की माने तो बिहार में सुशासन है। अच्छा बर्ताव में चिल्लाते हैं, भाग जाओ इधर से, यहाँ क्या कर रहा है, वोल्टेज नहीं है, हम नहीं करेंगे, तानाशाही करते हैं इधर। प्राइवेट से लो, हाँ यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाहर से गरीब लोग कहाँ से करेगा, जो बनिहार है 2 रुपया कमाता है कहाँ से करेगा, उसको 4 परिवार है। कहने का मतलब साफ है, बिहार में अस्पतालों का बेड़ा गर्क है। अब बात मुजफ्फरपुर की कर लेते हैं, जहाँ आज अस्पताल के पीछे कंकाल मिला। रिपब्लिक भारत की पड़ताल में नीतीश कुमार के सुशासन का सच अस्पताल के पीछे कंकाल के रूप में दिखा। जांच का ऐलान हो गया है, पर सवाल बाकी है, कंकाल का सच आखिर है क्या? हिंदी जो हिंदू रीति रिवाज है वो लाशें जलाई जरूर जाती है, लेकिन एक साथ इतने कंकाल नहीं मिल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितने कंकाल हैं। और जो लोग हमें बता रहे हैं कि ये अभी ज्यादा दिन नहीं, हो सकता कल रात को ही इसे जलाया गया हो। मुजफ्फरपुर में मासूमों की मौत का सिलसिला जारी है। इन सबके बीच ये भी जान लीजिए कि नीतीश कुमार लगातार सवालों से भाग रहे हैं। नीतीश कुमार सच का सामना करने से घबरा रहे हैं, पर जवाब तो देना होगा कि आखिर बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं क्यों दम तोड़ती नजर आ रही हैं? अगर इसे ही सुशासन कहते हैं तो जंगल राज किसे कहा जाए। और इसीलिए महाभारत में आज हम पूछ रहे हैं ये सवाल, अस्पताल के पीछे आखिर किसके कंकाल मिले। महाभारत इस बात पर कि सुशासन में अस्पतालों का बेड़ा गर्क हो रहा है। महाभारत इस बात पर कि किस तरह से बीमार अस्पतालों का इलाज अब कौन करेगा, सच से कब तक भागेंगे नीतीश कुमार। इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ विनय सिंह है, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजीव तिवारी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जीएम शाहीन हमारे साथ हैं, जेडीयू नेता। साथ ही प्रदीप भंडारी जन की बात के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ आरएलएसपी प्रवक्ता फैजल इमाम मलिक जुड़ रहे हैं, और साथ ही अजय वर्मा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो मेरे साथ हैं। ए के मिश्रा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं शुरुआत करूंगी विनय सिंह आपसे और साथ ही प्रदीप मैं आपसे शुरुआत करूंगी। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बिहार में बच्चे बीमार नहीं हैं, मैं फिर कह रही हूं ये स्वास्थ्य सेवाएं बीमार हैं। और अगर इस तरह की बीमार स्वास्थ्य सेवाएं राज्य में होंगी तो किसका भला होगा, किसका भला होगा विनय सिंह? सुचरिता, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि बच्चे बीमार नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बीमार हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ये बड़ा गंभीर विषय है और मुझे थोड़ा डिस्टर्ब न करें, मैं एक मिनट अपनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक मैं बात करूं इसका पॉलिटिकल अर्थ मत निकालिएगा। 2015 में नीतीश कुमार की सरकार बनती है, लालू यादव उसके पार्टनर हैं, लालू यादव की पार्टी, और उस सरकार का स्वास्थ्य मंत्री कौन होता है? तेज प्रताप यादव होते हैं।
इसलिए तो प्रताप का नाम ले रहा हूँ कि आजादी के बाद से बिना जी नहीं पूरे देश में और बिहार को देखिए तो बिहार खास तौर पे उपस्थित मेरी 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 बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सुचरिता, मैं बोल रहा हूँ बहुत गंभीर विषय है, मेरी बात सुनिए। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी को पहले से पता था कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर के अंदर ये इंसेफ्लाइटिस पहले से होता था। सुनिए सुनिए बिनय सिंह, बिनय सिंह ये घुमा रहे हैं, बिनय सिंह हल्ला करेंगे, बिनय सिंह अरे आम आदमी की बात करना हल्ला नहीं होती बिनय जी, आप अपनी जिम्मेदारी की बात कर लीजिए सर, मैं दूसरों पर बाद में जाऊंगी, पहले आप अपनी जिम्मेदारी की बात कीजिए, मैं आपकी जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। सुचरिता मैं वही बात बोला, मुझे मुझे सुचरिता सुचरिता मेरी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए जब से भारत आजाद हुआ है तब से अभी तक खासतौर पे बिहार बस अब आजाद पे चले जाइए, आजादी पे चले जाइए, फिर आजादी के पहले चले जाइए, उसके बाद बताइए कि जीडीपी का आंकड़ा कर दीजिए, ये नहीं बताएंगे कि क्यों 7 दिन लग गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बच्चों के अस्पताल में जाने के लिए, क्यों नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और मीडिया को बुलाने की मर्यादा में रहे, क्यों आप ये नहीं बताते कि एक 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 बेड पे 4 बच्चे हैं, ये सुशासन है? ऐसे बात समझ नहीं आएगी। मेरा सवाल सीधा और मैं जीएम शाहीन को भी लाऊंगी, जेडीयू नेता है, जीएम शाहीन को भी लाऊंगी चर्चा में, जीएम शाहीन को भी ले, जीएम शाहीन को भी ले। एके मिश्रा एक मिनट, बिहार में जीएम शाहीन अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे भी सवाल है, जीएम शाहीन को अगर हम देख पाए, जीएम शाहीन बिहार में तकरीबन 18,000 मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, सिर्फ एक डॉक्टर जो 18,000 मरीजों के लिए है। बिहार का जो स्वास्थ्य इंडेक्स है वो सोमालिया से भी खराब है, सोमालिया से भी खराब है। मैं बताता हूँ कौन जिम्मेदार है। सुचरिता बिहार हर साल 500 डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है। सर अगर 500 डॉक्टर बिहार हर साल प्रोड्यूस कर रहा है वो 500 के 500 डॉक्टर बिहार के अंदर जाके स्वास्थ्य सेवा नहीं देते हैं, बिहार और ज्यादा डॉक्टर। अगर आप एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं जाएगी। मैं चाहूंगी नहीं, सुनिए 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 सुनिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। बिनय सिंह पहले सवाल का जवाब मुझे मुझे और तेजस्वी से भी हम सवाल कर रहे हैं, आपसे जो सवाल है पहले उस पर बात करिए। तेजस्वी से बिहार की ना जनता नाखुश थी तभी तो नीतीश कुमार को लेके आई है, अब अगर आप तेज प्रताप और तेजस्वी के ऊपर टीका फोड़ेंगे तो आप अपनी नाकामी को मत छुपाएं। आप बस ये बताइए कि आज जैसा सुचारिता ने कहा कि आज बिहार का स्वास्थ्य इंडेक्स इतना पीछे क्यों है, देश के लीस्ट टॉप राज्यों के अंदर बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं आती है, बिहार में एक बेड पे 4-5 बच्चे क्यों है, इंसेफ्लाइटिस 1995 में बिहार में है, क्यों इस बार प्रिएम्प्टिव एक्शन नहीं लिया गया और मैं क्यों बरसात का इंतजार करूं, मैं क्यों बरसात का इंतजार करूं। बिनय सिंह, मैं संजीव तिवारी को भी लाना चाहूंगी चर्चा में, संजीव जी, अजय वर्मा, संजीव तिवारी, अजय वर्मा, मैं क्यों बरसात का इंतजार करूं कि बच्चों की जानें बच जाएंगी। दरभंगा की तस्वीर मैं दिखा रही हूं, दरभंगा का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर इमारत जर्जर हो रही है, वहां क्या इलाज होगा संजीव तिवारी, वहां किस तरह का इलाज होगा? देखिए इमारत तो रातों रात बनेगी नहीं, पहली बात ये बता दूं। दूसरी बात, जहां तक बिहार का सवाल है, मैंने पहले भी आपके डिबेट में कहा था कि बिहार बीमारू स्टेट में नंबर 1 है, और यह बीमारू स्टेट का मतलब है जिसके पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है। यह भारत के उन 5 राज्यों में से एक है जो सबसे गरीबी से लगातार जूझ रहा है। हाँ। जहां तक दूसरा इस जर्जर बच्चे मरेंगे सवाल है, बच्चे मरे नहीं, बच्चे मतलब बच्चे भी हैं, बच्चे बच्चे भी हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। आप ये चीज नहीं देखिए, लगभग 3500 बच्चों को बीमारी हुई है, गलत बात, बच्चे बच्चे भी हैं, ऐसे समझ पर ये बयान गलत नहीं है, गलत नहीं है, बच्चे मरे गलत नहीं है, गलत नहीं है। ये आप जो लगातार राजनीति कर रहे हैं, ये बच्चों की मौत के ऊपर जो आप लगातार राजनीति कर रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, अगर मैं पूछ रहा हूँ ये कर रहे हैं, आज समय ये है कि तमाम दलों को साथ आकर, सभी लोगों को साथ आकर इस चीज का पता करना चाहिए, इन बच्चों को कैसे शीघ्र ये सेवाएं दी जा सकती है, डॉक्टरों की उम्मीद मुहैया कराई जा सकती है, और इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, सरकार के शरण नहीं आती है देश की सरकार।
बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और देश की सरकार इसमें सम्मिलित है। भारतीय जनता पार्टी इसमें सहभागिता है। नरेंद्र मोदी जी का कोई सुनिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप सब एक साथ सुनिए, नहीं सुनिए, मैं ऐसे मैं नहीं लूंगी। जिसका नाम लिया जाए वो बोले प्लीज। इस महामारी से लड़ने में जो बिहार सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किया है, मैं एक सवाल पूछूं, एके मिश्रा सुनिए, एके मिश्रा अजय जी आप सुनिए, एके मिश्रा, संजीव जी आपने अपनी बात रखी, नहीं आपके आपके इस बयान से कोई सहमत नहीं है, हो रही है उसका, और बच्चों की मौत के साथ जिस तरह से खड़वाड़ किया जा रहा है उसका, ऐसे नहीं आवश्यकता है, आवश्यकता है वहाँ मेडिकल फैसिलिटी, एके मिश्रा से सवाल पूछ रही हूँ, एके मिश्रा आपका नाम है तो बोले, एके मिश्रा से डॉक्टरों को पहुँचाने की, एके मिश्रा रोते रही है जैसे लग रहा है पहली बार ही हो रहा है, एके मिश्रा पिछले 50 सालों से और सरकारों की राजनीति बंगले बनाए, राजनीति कौन कर रहा है? अगर सवाल पूछा जाए, एके मिश्रा सुनिए सुनिए, एके मिश्रा अगर हम सवाल पूछे तो हम राजनीति कर रहे हैं, अगर विपक्ष सवाल पूछे, विपक्ष सवाल पूछे, विपक्ष की भूमिका क्या है सर? विपक्ष की भूमिका क्या है? आपसे कोई सवाल ना पूछे, आप सवालों से ऊपर हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में सवालों से ऊपर हो गए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु ये लोग जिन्होंने बिहार से लगातार सुशासन बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया, ठीक है, सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, मैं किसी जीएम शाहीन को लेके स्क्रीन पर, जीएम शाहीन को लेके स्क्रीन पर, मैं किसी को नहीं लूंगी, जीएम शाहीन, ठीक है, सुनिए सुनिए, जीएम शाहीन मेरे साथ, संजीव जी मैं आपको नहीं ले रही हूँ अभी, संजीव जी मैं आपको नहीं ले रही हूँ, जीएम शाहीन, अजय जी को हटाएं स्क्रीन से, मैं अजय जी को नहीं ले रही हूँ अभी, जीएम शाहीन, सवाल ये है, अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे मुझे नहीं, अजय जी मैं ऐसे सवाल नहीं लूंगी, मैं आपको ऑडियो बंद करा दूंगी, अजय जी मैं ऐसे नहीं लूंगी, अजय जी को ऑडियो बंद कराएं, इनका ऑडियो नहीं जाएगा, अगर आप लोग बात नहीं सुनेंगे तो मैं किसी की बात नहीं लूंगी, जो सुनेगा और जो संयम बरत कर बात करेगा वो अपनी बात रखेगा। जीएम शाहीन, क्या अगर आपसे, आपके मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसे राजनीति कहेंगे? जीएम शाहीन, ये सवाल सीधे जनता के हैं, उन माँ बाप के हैं जिनके बच्चों की मौत हुई है। हम ये बात कर रहे हैं कि मामले को इस वक्त जब क्रुशियल हालात में बिहार चल रहा है, जब एक आफत आई है, जिस चीज को हम सब लोगों ने मिलजुल के एड्रेस करना है, हम सब लोगों ने मिलके काम करना है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम राजनीति करेंगे तो नाइंसाफी होगी। एक दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने बार बार आपके प्रोग्राम्स में कहा, हमें समझना होगा सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है 1.5 करोड़ की आबादी खाली एक पटना की है। हाँ, इतना हम मानते हैं देश अगर इस शहर में हम लोग 20 हॉस्पिटल 50 बनाए तो कम पड़ते हैं, लेकिन जब तक कि आपको और नीतीश कुमार ने चुनाव में घोषणा भी करी थी कि हम इंसेफ्लाइटिस को बिहार से हटा देंगे, हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आप बताइए आपने उस पे क्या प्लान किया? इन्होंने रोटियां सीखने के सिवा इनका चारा घोटाला घोटालों के सिवा इन लोगों ने नहीं किया। आ रही है सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है प्रदीप आपकी आवाज उन तक नहीं आ रही, वो चुपी नहीं हो रहे, सुनिए 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 सुनिए, फजल साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, फजल साहब आरएलएसपी के हैं, प्रवक्ता हैं, फजल साहब सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं मर रही हैं और ये आज से नहीं मर रही हैं, कितने साल हो गए, दशक हो गए, क्या किया है नीतीश कुमार ने इतने सालों में, सत्ता चलाई, सुशासन बाबू काहे के हैं?
मुझे सही जवाब दे रहा हूँ। एक तो ये है कि जिस तरह से डिबेट हो रहा है, फजल साहब बोलेंगे फिर शाहीन साहब आपके पास आऊंगी, संवेदनशील मसला है जर्नलिस्ट को और अपोजिशन को नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत संवेदनशील मसला है, इससे मोटे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट इससे इस तरह से अगर बहस हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाएंगी। आप शाहीन साहब बार बार कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत कौन कर रहा है? अपोजिशन को सिर्फ अभी तक सवाल किया ही नहीं है, सवाल तो मीडिया उठा रहा है, शिद्दत के साथ मीडिया उठा रहा है। शाहीन साहब हम तो पिछले बहुत सुनना होगा, बार बार ये आफत। शाहीन साहब थोड़े बोल लेने दीजिए, मुझसे सवाल किया गया है, मुझसे मिलजुल के काम करना होगा, अपोजिशन को भी सहयोग देना पड़ेगा, तब जाके जो है मामला आने वाले दिनों में हल हो सकता है। अब लालू यादव से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, राबड़ी देवी से, और भाई विनय जी ने जो कहा कि तेजस्वी और वो अब सवाल उनसे नहीं पूछे जाएंगे, सवाल तो नीतीश कुमार की सरकार से घोटाले सवाल उनसे ही पूछे जाएंगे। और राजनीति में पिछले 20 दिन से हमारी पार्टी बिहार पूरे भारत देश के डॉक्टरों को सप्लाई करता है, और बिहार के डॉक्टर पैसे सरकार जो है घोटाले करके अपने घरों में एसी सप्लाई डॉक्टरों के क्या करता है? डॉक्टर यहाँ प्रतिभा है, आप इस मामले को दूसरे तरफ पर ले जाइए, आप स्वास्थ्य सेवा पे आइए, बिहार के स्वास्थ्य सेवा पर आइए, मामले को डाइवर्ट मत कीजिए। डॉक्टर बिहार के बच्चों की जो मौत है उसको कैसे खत्म कर पाएंगे? ये सब के सब अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति रोटी इन्होंने भी बोला 70 साल 70 साल 70 साल। शर्म आनी चाहिए एके जी आपको। अरे एके जी आप लोग के जाल में फैलाते हैं, एक बार बच्चों की बात नहीं करते, ये क्यों नहीं बताते कि ज्यादा बेड कैसे लगवाएंगे? अगर नीतीश कुमार सीरियस होते तो अनाउंस करते कि लेकिन बात एके मिश्रा, सवाल एक छोटा सा है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल वही कि बच्चों की मौत पर हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम भटक कर राजनीति पर बात कर रहे हैं, लेकिन जिन स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। एक ब्रेक के बाद, ब्रेक ले रहा है एक छोटा सा। महाभारत में सवाल ये कि एंसेफेलाइटिस का इलाज कौन करेगा, सवाल ये भी कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं का इलाज कौन करेगा, और इसी पर मैं सवाल पूछ रही हूं लगातार शाहीन साहब से। शाहीन साहब, राजनीति का समय चला गया, राजनीति ना ये कर रहे हैं ना मैं चाहती हूं आप करें, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए क्या कर रही है ये सरकार? शाहीन साहब जल्दी से, फिर अजय वर्मा। शाहीन साहब देखिए, हमने देखिए मैडम, एक साफ बात है जो मैं आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को भी बताना चाहता हूं और ताकि लोगों को पता चले। अभी सेंटर की जो पूरी जो सरकार है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और स्टेट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मिलजुल के इस चीज का ऐसा जो भी ताकि ऐसे वैक्सीन पहले से दिए जाए। सर आप ये बताइए, आप एक्शन क्या लेंगे? 1 2 3 4 5 आप वापस से माफी चाहूंगा, पर आप वापस से, अरे बाबा यार पहले बात तो करने दीजिए। सबसे पहले आप लोग पैसा तकलीफ तो ये है कि आप बोलने नहीं देते। पिछले साल कितना पैसा एलोकेट किया था और इस साल इंसेफ्लाइटिस के लिए कितना पैसा एलोकेट करेंगे? पिछली आप सरकारी अस्पताल के अंदर बेड कैसे बढ़ाएंगे, कौन सी तारीख तक बेड बढ़ाएंगे? आप सिर्फ घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं जैसे कि एक नेता करता है। आप टाइम लो, समाधान निकालना है और मामला को ठीक करना है, और इसके लिए पूरी सरकार जो है संजीव तिवारी, अजय वर्मा, और संजीव तिवारी सरकार लगी हुई है। हम अब इतनी बड़ी बीमारी जिस तरह से सालों से ग्रस्त है बिहार, इससे इसके बाद भी हम ये कहेंगे कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, ये तो बहुत पहले से होना चाहिए था इस बीमारी पर, ये क्या समाधान दे रहे हैं? मैडम देखिए, बहुत पहले से होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से रिपब्लिक भारत ने इस पूरे न्यूज को उठाया है और जिस बहादुरी के साथ पूरे जनता और पूरे देश का आंख बिहार के इस स्वास्थ्य सेवाओं की गड़बड़ी के ऊपर खोला है, मुझे लगता है भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को जगना पड़ेगा
और यह अंतिम जगना पड़ेगा। अभी तक क्या कर रही थी सुचरिता जी, या अंतिम बात होगा बताऊं, जब इतनी संख्या में बच्चों के घर इतने बच्चे मर चुके हैं। मैं बहुत इस सरकार को हाई लेवल कमेटी बनाकर ब्लू प्रिंट तैयार करना पड़ेगा भारत को, और हाई लेवल एक्शन सैल्यूट करना हाई लेवल एक्शन। खाली बातों से काम नहीं चलेगा, बातों की बात नहीं है, हथकंडों से काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। संवेदना फिर क्या हाथ जोड़कर निवेदन है, राजनीति ना करी जाए और इन परिवार के साथ परिवार को आप कैसे आप इन शांत को शांत तो आपको कर दिया है जनता ने, ठीक है, 51 सीट देके आपको शांत कर दिया है। ठीक है, आप दूसरा ये 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 वाली बातें यहाँ नहीं होंगी, अब ये वाली बातें नहीं होंगी। विनय सिंह अगर आप अपनी चर्चा करिए, 51 और 200 और मशीनों पर मत जाइए। आप लोगों की जब सरकार यही दुख है, उसके मारेंगे सीटों पर आप लोग किसकी राजनीति कैसे चलाइए की इन बच्चों के परिवार में जो बिहार व्यवस्था सुधार रही है चिकित्सा की, सरकार तो सबसे पहले वहां नेताओं का जो जो उनकी सोच है उसको सुधारिए। देश की सरकार इसमें साझेदार है, आप लोगों ने ऐसा देश की सरकार क्यों नहीं स्पेशल डॉक्टर जाके वहां पर स्पेशल के तहत ना फंडिंग करा दे। सुनिए एक मिनट, आप दोनों तो एक ही बात कर रहे हैं ना, किस सरकार आप दोनों चाहिए, आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं, बच्चे मरते जा रहे हैं। सुनिए मैं विनय सिंह को लूंगी, विनय सिंह को, विनय सिंह सुनिए मिश्रा साहब, आप ये बात समझ रहे हैं कि आप और अजय वर्मा एक ही बात कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की है? विनय सिंह सुनिए सुनिए सुनिए, मैं राजनीति क्यों जगह दे नहीं रही हूँ? विनय सिंह को लेंगे, विनय सिंह विनय सिंह बच्चों को वहाँ जाए, स्वास्थ्य सेवा है। संजीव जी ऐसे नहीं, सुंदर उदाहरण है। मैं अगर फिर देखिए अजय जी मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप अपना नाम सुनकर नहीं बोलेंगे मैं लूंगी नहीं। विनय सिंह सवाल विनय सिंह से, विनय सिंह दरभंगा का ये अस्पताल, अजय वर्मा को ऑडियो बंद करिए, अजय वर्मा को ऑडियो बंद करिए, विनय सिंह ठीक है, विनय सिंह दरभंगा का ये अस्पताल कितना पुराना है सर, कितना पुराना है? आप लोगों को समय नहीं मिला सुध लेने की? संजीव जी का भी ऑडियो बंद करें, मैं ऐसे नहीं लूंगी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। विनय सिंह इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले लोगों की संख्या 550 थी। सुचरिता एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ, उसमें हल्ला न करें बाकी साथी, ये हम सब लोगों के लिए परेशानी का सबब है। उत्तर प्रदेश में 2017 में इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले अजय जी उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद क्या राज्य सरकार सजग हुई और ये संख्या 150 पे हल्ला मत कीजिए साहब, हल्ला कर दे। बोलिए 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 बोलिए, आज जो समस्या है अजय जी मैं आपके ऑडियो नहीं जा रहा, उसको डायग्नोस करने की जरूरत है, उसके इतिहास में जब तक नहीं जाएंगे उसको डायग्नोस नहीं करेंगे, आज की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। सुचरिता इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर, समस्या का समाधान निकालना है, लेकिन निकालना बहुत पहले चाहिए था। अफसोस यही है कि इस समाधान पर पहले काम क्यों नहीं हुआ। मेरे पास समय नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप लोग आप सबको गुस्सा है, मैं जानती हूँ कि हर किसी को गुस्सा है। आज जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है बिहार में, उस पर सब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन रिपब्लिक भारत को आपने रिपब्लिक भारत को कांग्रेचुलेट किया। मैं चाहती थी कि हमारे दिखाए बिना ये स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।